पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह से शेषा को अपने आदि नागिन होने का मकसद पता चलता है और उसे अपने ताज के साथ अपनी तलवार भी मिल जाती है, साथ ही उसे अपने पहले दुश्मन का नाम पता चलता है। अब आगे इतना कहकर वो तोता गायब हो जाता है। तभी वृंदा बोलती है, ये कौन है, मौत का सौदागर? यही तो पता लगाना है, ये तोता किसने भेजा। इसका मतलब यही है कि अगर मैंने इंसानी रूप में जन्म लिया है तो मेरे दुश्मन ने भी इस लोक में जन्म लिया है, मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। ठीक है, पर अभी काफी रात हो गई है, इस पर हम सुबह बात करते हैं। ठीक है, चलो तुम दोनों जाओ, सुबह मिलते हैं। शीशा की बात सुनकर वृंदा और अर्धव वहाँ से लौट जाते हैं और उनके जाते ही शीशा खुद से बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरी मदद करना। मुझे नहीं पता वो मौत का सौदागर कौन है, पर जो भी है मुझे शक्ति देना कि मैं उससे लड़ सकूं। इतना कहकर वो फिर से आराम करने लगती है। सुबह होती है, शीशा रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है और कॉलेज पहुँचते ही उसकी टक्कर एक चश्मा लगाए शरीफ से दिखने वाले लड़के अनूप से हो जाती है। उसके स्पर्श से शीशा को कुछ अजीब सा फील होता है। तभी अनूप अपना चश्मा ठीक करते हुए शीशा को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ अर्धव आता है। तभी शीशा उससे बोलती है, अर्धव, वो लड़का कौन था? उसका स्पर्श कुछ अलग ही था। कौन लड़का शीशा? वो देखो, जिसने चश्मा लगाया है। होगा कोई, छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो कैंटीन, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अर्धव शीशा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। शीशा के दिमाग में उस लड़के का ही ख्याल बार बार आता है। कुछ दिन बीतते हैं और शीशा का बर्थडे आता है, जिसके चलते अर्धव अपने घर पर शीशा के लिए बहुत बड़ी सी पार्टी रखता है, जहाँ सभी मेहमानों में अनूप भी अर्धव के घर आता है, जहाँ सभी लोग पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। अनूप की नजर बस शीशा पर थी। शीशा उसकी सभी हरकतों को नोटिस करती है। कुछ देर बाद अनूप दबे पांव छत पर जाता है और शीशा भी उसके पीछे जाती है और बोलती है, कौन हो तुम, सच बताओ। जी मैं अनूप हूँ। झूठ मत बोलो, सच बताओ, कौन हो तुम? जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं अनूप ही तो हूँ। हे भोलेनाथ, कहीं मैं बेकार ही शक तो नहीं कर रही? क्या पता ये सच में एक आम इंसान ही हो। क्या हुआ आदि नागिन, किस सोच में पड़ गई? तुम्हें कैसे पता कि मैं आदि नागिन हूँ? अरे आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, रुको मैं तुमको एक तोहफा देता हूँ। इतना कहकर अनूप अपनी आँखों को बंद करता है और उसके हाथों में एक बड़ा सा थाल आ जाता है, जिसके बाद अनूप आँखें खोलता है और उस थाल को शीशा को देते हुए बोलता है, ये लो आदि नागिन, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा, देखो तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अनूप की बात सुनकर जैसे ही उसकी दी तोहफे की थाल पर से ढका कपड़ा हटाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस थाल में वृंदा का कटा हुआ सर था। ये देखकर शीशा जोर से चिल्लाती है, वृंदा, ये नहीं हो सकता, कौन हो तुम, क्यों मारा तुमने मेरी दोस्त को? मैं हूँ मौत का सौदागर आदि नागिन। तभी पीछे से वृंदा शीशा को आवाज देती है। शीशा जल्दी से पीछे पलट कर देखती है और वृंदा को सही सलामत देखकर वो हैरानी से बोलती है, वृंदा तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हे भोलेनाथ, आपका लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ शीशा, तुम इतने घबराई हुई क्यों हो? और क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो छत पर? सब तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। वृंदा, वो लड़का जिसका मैंने जिक्र किया था उस दिन कॉलेज में, वही है मौत का सौदागर। इतना कहकर जैसे ही शीशा वृंदा का हाथ पकड़कर पीछे घूमती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर शीशा बोलती है, ये कैसे हो सकता है, वो अभी यही था, मैंने खुद उसे देखा है सच में। शीशा शांत हो जाओ, देखो यहाँ कोई नहीं है और अभी नीचे चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, मेहमानों के जाने के बाद हम इसको देखते हैं। वृंदा शीशा को समझाकर किसी तरह वहाँ से ले जाती है। जैसे ही दोनों वहाँ से जाती है तभी अनूप फिर से वहाँ आकर बोलता है, मौत के सौदागर को पकड़ना किसी के बस में नहीं है, कभी भी कुछ भी बन सकता हूँ। आदि नागिन, तूने मेरे भाई को मारा था,
तुमसे मैं उसकी मौत का बदला लेकर रहूंगा, तुम्हारे अपनों की मौत से। ऐसा मायावी जाल बनाऊंगा ना कि तुम खुद अपने ही लोगों को दुश्मन समझने लगोगी। इतना कहकर अनूप चुटकी बजाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। शीशा नीचे जाकर केक कट करती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शीशा छत पर हुई सारी बातें वृंदा और अर्धव को बताती है, जिस पर अर्धव बोलता है, सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ये मौत का सौदागर है क्या और उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, तभी हम उस पर वार कर सकते हैं। अभी हमें उसकी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। तो ऐसा क्या करें जिससे हम उसके बारे में जान सके? एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो? नागलोक के लाल शिव मंदिर के अघोरी बाबा। वो हमें बता सकते हैं कि कौन है ये मौत का सौदागर। तो फिर देर मत करो, चलो हम तीनों अभी नागलोक चलते हैं। शीशा की बात सुनकर तीनों अपने इंसानी रूप से नाग रूप में आते हैं और नागलोक जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों अपना रूप परिवर्तन करके नागलोक के लाल शिव मंदिर में जाते हैं। उनको वहां देखकर अघोरी बाबा बोलते हैं, आ गई तुम आदि नागिन, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। प्रणाम बाबा, हमारी मदद कीजिए, हमें नहीं पता वो दुश्मन कैसा है और उसकी शक्तियाँ क्या क्या है। वो ना हवा है ना पानी, वो जो चाहे वो बन सकता है। वो मौत का सौदागर है आदि नागिन। आपने 100 साल पहले नागमणि के युद्ध में जिसको सबसे पहले मारा था अस्तनासुर, ये उसका भाई है। वो अपना बदला लेने धरती लोक पर इंसानी रूप में आ पहुंचा है। याद रखना आदि नागिन, वो कभी भी किसी का रूप लेकर दूसरों के हाथों उसकी मौत करवा सकता है। इसीलिए ही उसका नाम मौत का सौदागर है। सतर्क रहना आप तीनों। पर बाबा, उसकी कोई पहचान तो होगी ना, कोई एक निशानी जिससे हम उसे पहचान सकें? एक निशानी है, उसकी आंखों का रंग हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, कुछ कुछ वक्त बाद बदलता रहता है। और रात के चौथे पहर में उसकी ताकत सबसे कम होती है, इसी बीच उसे हराया जा सकता है। शुक्रिया बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सौदागर का खेल शुरू हो गया है आदि नागिन, अब तुम अपने लोगों को बचा लो। ऐसे ही हर हर महादेव बोलते हुए वो अघोरी बाबा वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद शीशा बोलती है, वृंदा, अर्धव, अब हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। मौत का सौदागर कभी भी किसी भी भेस में आ सकता है। तुम चिंता मत करो शीशा, दुश्मन हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। जब तक हम तीनों साथ हैं, कोई हमें नहीं हरा सकता। इतना कहकर तीनों अपना रूप परिवर्तन करते हैं और वापस से धरती लोक पर अपने घर आते हैं। तभी शीशा देखती है घर पर उसकी माँ मानसी लौट आई है। शीशा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है और झट से उसके गले लगती है। तभी मानसी बोलती है, कहाँ थे तुम तीनों? अरे मैं कब से तुम तीनों को सरप्राइज देने के लिए घर पर वेट कर रही हूँ। ना तुम्हारा फोन लग रहा था और ना तुम्हारा कोई अता पता है। वो माँ, हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे, एग्जाम आ रहे हैं ना, तो पढ़ाई भी तो करनी होगी। खैर छोड़ो, मैंने तुम सब के लिए खाना बनाया है, बैठो हम सब खाना खाते हैं, फ्रेश होकर आओ जल्दी। सभी फ्रेश होकर आते हैं और मानसी के साथ बैठकर उसके हाथों का बना खाना खाते हैं, जिसके बाद वृंदा और अर्धव अपने अपने घर चले जाते हैं। शीशा भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसे मानसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो उठकर अपनी माँ के कमरे में जाती है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर क्या देखा आदि नागिन ने, क्या हुआ मानसी को, जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग।